छोटे शहरों के तमाम वो लोकल आर्टिस्ट होते हैं जिनका सपना होता है कि वो भी माया नगरी की चमक को देख सकें, एक्टर बन सकें, डायरेक्टर बन सकें, प्रोड्यूसर बन सकें, और कहीं ना कहीं उन लोगों का सपना इसलिए भी अधूरा रह जाता है क्योंकि वो छोटे शहरों से आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ये विचार, ये सोच बदल रही है। हमारे साथ आर्यन अरोड़ा हैं। आर्यन अरोड़ा एक चाइल्ड एक्टर से उन्होंने शुरुआत की थी और माया नगरी में आगरा की धमक बढ़ा रहे हैं, आगरा का नाम रोशन कर रहे हैं। अरे, कैसे शुरुआत हुई, मतलब कैसे आपने माया नगरी तक पहुंचने का वो स्टेप था? बचपन से ही एक मन बना लिया था कि नहीं भाई एक्टर बनना है जी। तो ऐसा था कि मतलब घर पे तो सबको पता ही था, तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है इन चीज़ों में, क्योंकि मतलब मैं चाइल्ड एक्टर था, बचपन से मेरा वो था, तो एक वो रहता था कि मतलब फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है ऐसे दूसरे शहर में जाके, क्योंकि मैं बच्चा था, खुद कमाता नहीं था ये वो, तो फैमिली का सपोर्ट मिला तो उससे काफ़ी हेल्प हुई। तो बचपन से सबको पता था घर पे कि ये बनेगा तो एक्टर ही बनेगा। कैसे, कौन सी पहली वो मूवी थी, कैसे शुरुआत हुई, घर वालों का फिर रिएक्शन कैसा था कि जब उन्होंने देखा कि भाई हमारा बच्चा टीवी पे आ रहा है, एक्टर बनना है, एड में आ रहा है? पहली मेरी मूवी थी जबरिया जोड़ी, तो पूरा थिएटर बुक हो गया था, मेरे सब रिश्तेदार, मेरे पापा के दोस्त, मेरे दादू के दोस्त सब गए थे साथ में देखने और बहुत खुश हुए थे सबने वो वीडियो में। मैं तब आ नहीं पाया था आगरा, मैं उस समय मुंबई था क्योंकि कुछ एग्ज़ाम का चक्कर था मेरे, और उस समय मेरे को वीडियो वगैरह आई थी तो मैं काफ़ी खुश हुआ था। तब मुझे लगा कि हाँ, मैंने कुछ ज़िंदगी में कुछ तो कर लिया, कुछ हासिल तो कर लिया। अब तक कौन कौन सी मूवियों में काम कर सकते हैं, किन एक्टरों के साथ काम कर सके हैं, और वो बड़े एक्टर जिनको टीवी पर हम लोग देखते हैं और पास में जब देखते हैं तो एक अलग ही फील रहता है कि भाई उनके साथ काम करना, किस तरह के चैलेंजेस खास हैं? मैं सलमान खान जैसे, सिद्धार्थ मल्होत्रा, परिणीति चोपड़ा, टिस्का चोपड़ा, इन जैसे एक्टर्स के संग काम कर चुका हूँ, और मतलब इनसे मिलके ऐसा नहीं लगता कि हाँ, मतलब कुछ एक हमें अंदर से घबराहट सी होती है, वो घबराहट चली जाती है क्योंकि वो बहुत सादगी तरीके से ही रहते हैं। डर नहीं रहता है कि यार इतने बड़ा एक्टर है, इनके सामने डायलॉग बोलेंगे तो स्लिप हो जाएगा, भूल जाएंगे, पहली बार में ऐसा रहता है? पहली बार में ऐसा हुआ था, खैर वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि उन्हें भी पता होता है कि नया एक्टर है, तो वो खुद ही आपको आगे से आके बता देते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने टेक चाहोगे उतने टेक ले लेना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही हुआ था, तो मेरे से बोला गया ऐसे, मेरे को फिर मेरा घबराहट जो थी वो ख़त्म हो गई, तो मैं काफ़ी फ्री तरीके से काम कर पाया और काम टचवुड बहुत अच्छा निकला था। अब तक आप यहाँ पहुँच चुके हैं, अपकमिंग मूवी की बात करें तो किन किन प्लेटफॉर्म पर आपकी मूवी आ चुकी है, या फिर दर्शकों के लिए कौन सी आप मूवी ऐसा अगर बताना चाहें? एक मेरी मूवी नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, एक Z5 पे है, थिएटर में भी लॉन्च हुई थी, और एक दो मतलब Z5 पे आ चुकी हैं, राधे भी Z5 पे आई थी, जबरिया जोड़ी भी Z5 पे आई थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आगरा शहर से या फिर आगरा शहर के आसपास के लोग हैं जो चाहते हैं कि उस माया नगरी में जाएं, एक्टर बने, और उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें लगता है कि नहीं यार हम बड़े खानदान से नहीं हैं, बड़े परिवार से नहीं हैं, बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो किस तरह से देखते हैं उन लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे, कितना चैलेंजेस हैं सब? उनको अपनी मेहनत पे, अपने भगवान पे और खुद पे मतलब भरोसा होगा तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस उन्हें अपने आप पे भरोसा रखना है कि हाँ, अगर वो ये कर सकते हैं तो वो उस जगह जाएं, मुंबई जाएं और वहाँ पे जाके काम ढूंढे, ढूंढने से काम मिलेगा भी, और वो मेहनत जारी रखेंगे तो बिल्कुल काम मिलेगा। OTT के आने से कहीं ना कहीं एक मौका बढ़ा है, एक दायरा बढ़ा है काम का, लोगों को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली। जी जी बिल्कुल, क्योंकि काम ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है, न्यू कमर्स को, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म एक सीरीज़ का होता है, अगर सीरीज़ चलती है तो उसमें काफ़ी एपिसोड्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि लंबा लंबा होता है, 8-8 घंटे के आपको पूरी एक सीरीज़ 8-8 घंटे की वो देखने मिलती है। थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हाल ही में मुंबई गए थे, बड़े डायरेक्टर और एक्टर के साथ उन्होंने मीटिंग की थी, उनका कहना है कि फिल्म सिटी को नोएडा में लाया जाए, यहाँ के लोकल जो टैलेंट है उसको भी एक मंच मिले, माया नगरी में ना जाना पड़े, इतनी दूर जाना जाना पड़े, खर्चा बहुत होता, रहने के लिए जगह नहीं होती, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं। क्या लगता है अगर नोएडा में फिल्म सिटी आती है तो कितना फ़ायदा पहुँचेगा यहाँ? मेरे को लगता है कम फ़ायदा पहुँचेगा, वो चांस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो कास्टिंग कंपनीज हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो सेट ही वहीं पर हैं, सब मुंबई में ही हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब यहाँ के लोगों को मौका मिल पाएगा, जो एक अच्छा रोल होता है उसका, छोटे मोटे रोल के लिए वो शायद नोएडा जा सकते हैं। आखिरी में क्या लोगों को, अपने जैसे लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या गुड टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स
ये है कि मतलब अगर वो काम करना चाह रहे हैं तो वो अच्छे एक्टर्स जो हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, चाहे हॉलीवुड के हों चाहे बॉलीवुड के हों, उनको ऑब्जर्व करें, उनकी एक्टिंग देखें और खुद के अंदर से वो चीज़ें प्रैक्टिस करें। अगर वो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली डिग्री उनको लेनी पड़ेगी, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहें। और अपने आप पर भरोसा, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग मैं ऐसे जानता हूँ आगरा के जो मेरे जानने वाले हैं, कोई इतने में डर जाते हैं कि वहाँ पे जाना ही बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल, अगर आप भी माया नगरी में पहुँचने वाले हैं या जा रहे हैं तो आप इन टिप्स का फ़ायदा लेकर आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जिनके ज़रिए आप इस माया नगरी में कदम रख सकते हैं, अपना एक्टर बनने का सपना जो है पूरा कर सकते हैं। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।